राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स व महिला कुश्ती खेल प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। हरियाणा के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने किया उद्घाटन। ग्रोवर का आरोप, हुड्डा ने प्रदेश को खेल किसानों की जमीन के नाम पर लूटा। ग्रोवर ने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक भी खिलाड़ी का नाम बताएं जिसे इनाम की राशि नहीं मिली। 20 से 23 अक्टूबर तक होने वाली राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स व महिला कुश्ती खेल प्रतियोगिता का आज विधिवत शुभारंभ हो गया। राजीव गांधी खेल कॉम्प्लेक्स में हरियाणा के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। मनीष ग्रोवर ने इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें हुड्डा ने भाजपा सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाया था। मनीष ग्रोवर ने कहा कि हुड्डा के दिन चले गए हैं, हुड्डा ने प्रदेश को खेल और किसानों की जमीन के नाम पर लूटा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक भी खिलाड़ी का नाम बताएं जिसे इनाम की राशि भाजपा की सरकार के राज में नहीं मिली है। साक्षी मलिक के कोच कुलदीप मलिक और मनदीप मलिक को एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इनाम की राशि नहीं मिली है। मनीष ग्रोवर इस सवाल का जवाब देने के बाद यह मामला चल रहा है कहकर चलते बने। इस घोषणा की राशि अभी तक क्यों नहीं मिल पाई इसका जवाब भी मंत्री जी के पास नहीं था। ये अभी कोई है मामला। मनदीप कोच ने अभी तक 10 लाख रुपए की राशि नहीं मिलने की बात स्वीकार की है। नहीं, अभी तो नहीं मिली है, पर उसके भी जांच चल रही है। जो भी उसके पास अभी न्यूज़ से पता लगा था अखबार से कि उसमें जांच के बाद सरकार जो भी अपना फैसला देगी उसके बाद। किस चीज़ की जांच कर रही है वो तो पता लगेगा कि आप लोगों को बताया है नहीं इस बारे में। मतलब भाई किस चीज़ की अड़चन है, किस बात की जाँच हो रही है? सर हमारे सरकार से अच्छी उम्मीद है क्योंकि खेल मंत्री जी से भी हमारे काफ़ी उम्मीद है अच्छी, इसमें जो भी सही फैसला करेंगे। हाल ही में हुड्डा ने 3 साल की भाजपा सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाया था कि इनकी खेल नीति से कोई संतुष्ट नहीं है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, इनाम की राशि बहुत देर से मिल रही है, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। देखिए जो हमने नीति बनाई थी वो भी पूरी तरह लागू नहीं कर पा रही सर, क्योंकि और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था। तो ये सरकार तो हर मोड़ पे फेल है, चाहे खेल है, चाहे कृषि है, चाहे और है, चाहे बेरोजगारी है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि सरकार की खेल नीति के चलते खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 22 जिलों में खेल प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। रोहतक में भी 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है जिसमें 1000 के करीब खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 22 के 22 जिलों में चल रहा है। इस 22 के जिले में रोहतक जिले के अंदर भी यहाँ मेरे पूरे हरियाणा के 22 जिले से यहाँ खिलाड़ी लगभग 1000 बच्चे यहाँ भाग ले रहे हैं। ये 3 दिन चलेगा। ये 3 दिन के बाद समापन इसका 31 तारीख को हिसार में होगा, जिसमें हमारे उपराष्ट्रपति नायडू जी इसमें समापन को करेंगे, क्योंकि हमारी हरियाणा सरकार का मत है कि नौजवान खेल के मैदान में आए, इसलिए हमने नर्सरी के माध्यम से ऊपर तक जाए, अंतर्राष्ट्रीय में अपना स्थान बनाए, इसलिए हमने कोचों की भी योजना बनाई है। कोच भी और नहीं भर्ती करेंगे, ऐसे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन मिले, ऐसी हमारी ये है। मनीष ग्रोवर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर पलटवार करने से नहीं चूके जिसमें हुड्डा ने भाजपा की खेल नीति पर सवाल उठाया था। मनीष ग्रोवर ने कहा कि हुड्डा के दिन चले गए हैं, हुड्डा ने प्रदेश को खेल किसानों को जमीन के नाम पर लूटा है। कोई भूपेंद्र हुड्डा नाम बता दे जिस खिलाड़ी को इनाम नहीं मिला। भूपेंद्र हुड्डा सपने ले रहा है, वो गया उनके दिन, उसने प्रदेश को जिस तरह लूटा है, खेल के नाम से लूटा है, किसानों की जमीन से नाम से लूटा है, इस प्रदेश को लूट सोच से लूटा है, उसके दिन चले गए हैं। अब हरियाणा खेल के मैदान में भी आ गया है, किसानों के भी आ गया है, और सैनिकों की रक्षा करने वाला भी आज हरियाणा सबसे साक्षी मिली। बहरहाल मौका खेल का था, खिलाड़ी खेल में जुटे थे और राजनीतिक अपना खेल खेल रहे थे। गरिमा टाइम्स की रिपोर्ट।